सो फाइनली गाइस, लावा की तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है लावा अग्नि 5G, जिसका आज मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ रियलमी के नाजो 30 5G के साथ, क्योंकि इन दोनों के प्राइस एंड स्पेसिफिकेशंस थोड़े सेम रहने वाले हैं। क्योंकि कंपेयर होगा कैमरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी प्लस प्राइस के बीच में, जिससे कि आप लोगों को तय हो जाएगा कि आप लोगों को इन दो फोन्स में से कौन सा एक फ़ोन परचेज करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर दोनों के लुक्स के बारे में, तो यहाँ पर मुझे लुक्स अच्छा लग रहा है जो कि है नारो 30 5G का, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड बात की दोनों में हमको कॉमन डाइट वगैरह का सपोर्ट देखने को मिला है। नारो 30 5G में आपको 185 ग्राम का वजन देखने को मिल रहा है एंड अग्नि 5G में आपको 204 ग्राम का वेट देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर नाव 35G लाइट वेट रहने वाला है। एंड बात किया दोनों के डिस्प्ले के बारे में, तो नाव 35G आपको 6.5 इंचेस के साथ IPS LCD डिस्प्ले के साथ देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 90Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। ब्राइटनेस की बात की जाए तो उसमें आपको 400 nits की ब्राइटनेस देखने 600 nits की ब्राइटनेस देखने को मिल रही है। अग्नि 5G में आपको 6.6 की डिस्प्ले, IPS LCD डिस्प्ले में भी आपको देखने को मिल रही है, 90Hz रिफ्रेश रेट में भी है, बट फर्क सिर्फ इतना है इसमें आपको 400 nits ब्राइटनेस देखने को मिल रही है। मतलब नाव 35G 200 nits ब्राइटनेस के कारण थोड़ा सा आगे रह रहा है। एंड बात किया दोनों के प्रोसेसर हेड एंड परफॉर्मिंग के बारे में, तो नाव 35G में आपको MediaTek 700 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है जो कि 7 नैनोमीटर पर कार्य करता है एंड इसमें आपको 6/28 एंड 8/28 के दो वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। एंड बात की अग्नि 5G के बारे में, तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 810 तरफ से जो कि 6 नैनोमीटर पर कार्य करता है। एंड इसके स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें आपको 6/28 एंड 8/28 के दो वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। एंड बात की यहाँ पर बिनर के बारे में, यहाँ तो प्रोसेसर एंड परफॉर्मिंग के मामले में यहाँ पर बिनर रहता है अग्नि 5G, जो कि इसमें आपको MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है जो कि बिनर है यहाँ पर MediaTek 700 से। एंड में यहाँ पर बात की दोनों के कैमरा सेटअप के बारे में, तो नायो 35G में आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जिसी के साथ आपको वाइड एंगल भी देखने को मिल रहा है। एंड इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस भी देखने को मिल रहा है। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है। भाई बैक कैमरा से बात की जाए वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो जो हो रही है 30 से 60 FPS। एंड बात की अग्नि 5G के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड वाइड एंगल कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस देखने को मिल रहा है। भाई फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट में इसमें भी आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है। बैक कैमरा से दोनों फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 30 से 60 FPS तक। एंड फ्रंट कैमरा में दोनों फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है सिर्फ 30 FPS तक, इसलिए यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि दोनों में कैमरा सेटअप सेम रह रहा है, क्योंकि बैक में भी एंड फ्रंट में भी, इसलिए यहाँ पर कोई सा भी बिनर नहीं रहता है। एंड दोबारा कैमरा को लुक्स कटआउट किसे अच्छा लग रहा है, मुझे नाव 35G का कैमरा लुक भी अच्छा लग रहा है, आपको कौन सा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। एंड बात किया दोनों के बैटरी एंड चार्जर के बारे में, तो नाव 35G में आपको 5000mAh की बैटरी जो कि 18W के चार्जर के साथ देखने को मिल रही है, बट अग्नि 5G में आपको एक अच्छी बात है जिसमें आपको 5000mAh बैटरी के साथ 30W का चार्जर दे रहे हैं इस प्राइस रेट में। एंड इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर विनर रहता है अग्नि 5G, बट दोनों कंपनी वालों ने यह नहीं बताया है कि 0 से 100% बैटरी कितनी देर में चार्ज हो रही है इनकी इन फोन्स की। बट मैं अपने अनुमान के अनुसार बताता हूँ कि इनकी नारो 35G की 0 से 100% बैटरी चार्ज हो जाएगी कम से कम 70 से 77 मिनट में। एंड बात किया दोनों के वाटर प्रूफ एंड गोल्ला ग्लास के बारे में, तो दोनों में आपको स्लेस प्रूफ देखने को मिल रहा है, गोल्ला ग्लास एंड दोनों में B3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है, गोल्ला ग्लास B3 का प्रोटेक्शन जो कि इस प्राइस रेट में ठीक ठाक है। एंड स्लेस प्रूफ क्योंकि दोनों में आपको बूंदाबांदी प्रूफ होता है देखने को मिल रहा है। एंड इसमें आपको वाटर प्रूफ की बात की जाए तो इसमें आपको कोई भी वाटर प्रूफ नहीं देखने को मिल रहा है। एंड इसमें आपको सिर्फ देखने को मिल रहा है जो कि है स्लेस प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ, डस्ट प्रूफ के अंदर होता है धूल या गर्द प्रूफ। एंड इसके बाद बात किया इन दोनों के साइड स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो नाव 35G में आपको 3.5 का जैक देखने को मिल रहा है, फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रही है। नेट कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें आपको 5G नेट कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। अग्नि 5G की बात की जाए तो इसमें आपको 3.5 का जैक देखने को मिल रहा है, फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, नेट कनेक्टिविटी इसमें भी आपको 5G देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर दोबारा लुक्स की बात की जाए, फ्रंट के फोटो नहीं है मेरे पास इसलिए हम लुक्स के बारे में नहीं कह सकते हैं, पर बैक लुक मुझे दोनों फोन्स का अच्छा लग रहा है। नाव 35G लुक्स के मामले में आगे रहता है। एंड बात किया दोनों के प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो नाव 35G 16 मेगापिक्सल 16995 जो कि 628 वाला वेरियंट है वो देखने को मिल रहा है,
एंड अग्नि 5G का 8128 वाला वेरियंट है वो आपको देखने वाला 17790 में। अगर आप 1000 रुपये ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं तो आपको अग्नि 5G का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक अच्छा चार्जर एंड अच्छा प्रोसेसर परफॉर्मिंग दी जा रही है इस प्राइस रेट में। एंड इसके ऊपर मैंने कई वीडियो बनाई हैं अग्नि 5G से कंपेयर करके, जो कि आप एंड स्क्रीन में या आई बटन में मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।